तलवाड़ा माइग्रेंट्स कभी फ्लड से प्रभावित होते हैं, कभी समय पर राशन नहीं मिलता, कभी और मुद्दों को लेकर धरने प्रदर्शन करते हैं, कॉलोनी बनाने को लेकर लगातार मांग उठा रहे हैं, लगातार प्रशासन के अधिकारियों से भी मिलते रहते हैं, लेकिन बहुत से इनके मुद्दे जो हैं अभी तक हल नहीं हुए हैं। हालांकि कुछ मुद्दे जो हैं वो हल भी हुए हैं, लेकिन आज भी ये एक बैठक में पहुंचे थे। डीसी रियासी व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक थी जिसमें राशन आदि मुद्दे को लेकर चर्चा की गई है। क्या कुछ बैठक में हुआ है वो भी इनसे बातचीत करेंगे और क्या प्रमुख इनके मुद्दे हैं वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तलवाड़ा माइग्रेंट कमेटी जो है उसके प्रधान जगदेव सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और उनके साथ ही इनके कुछ साथी भी हैं, कुछ महिलाएं भी यहां पर पहुंची हैं। जगदेव जी, आज क्या बैठक हुई है और क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या आश्वासन मिला? शुक्रिया अंशित जी। आज डीसी रियासी इंदु कुणाल चिब साहब ने जो मीटिंग बबीला रखवाल जी ने रखी, उस मीटिंग में जो है हमारे मेन जो मसले हैं, एक तो कॉलोनी का मसला है कि हमारी कॉलोनी जो है ये डैमेज हो चुकी है और इस पर बहुत सी खतरा बना हुआ है। जैसे स्लाइड हो गई थी, स्लाइड की वजह से कुछ क्वार्टर टूट चुके हैं और वो लोग प्रभावित। पिछले दिनों फ्लड भी आया वहां पर, काफी तेज गति से पानी आया, उसके साथ मलबा आया, क्या कुछ नुकसान उस समय हुआ था? उस समय नुकसान जो कमरे के अंदर सामान था जाने बच गई और सामान जो था वो दब गया और उन लोगों को एक शेड में रखा हुआ था और शेड से कितने घरों में नुकसान? वो तकरीबन ये कोई 11 जो मकान थे वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उन 11 परिवारों को हमें उधर एक शेड में रखा था, उस शेड से निकाल के आज जो है आज हमें उनको क्वार्टर कोई जो बंद क्वार्टर थे जिसमें कोई रहता नहीं था वहाँ रखे। यहाँ पर मलबा आया था, उन क्वार्टर्स में वापस नहीं जा सकते थे, उनकी हालत अब नहीं अच्छी बची। वो क्वार्टर टूट चुके हैं ना, खत्म हो चुके हैं, उसमें कोई आदमी नहीं रह सकता है क्योंकि वहाँ अभी भी एक सिलेंडर जो है वहाँ दबा हुआ है, वो तो बड़ा खतरा बना हुआ है कि कोई ऐसा ना हो कि वो उसको निकाला ना जाएगा तो वो बम की तरह फट भी सकता है, उससे नुकसान हो सकता है। चलिए, अब जो जिनको जो शरणार्थी बनाकर रखे गए थे किसी अन्य स्थान पर, उन्हें अब वापस क्वार्टरों में शिफ्ट किया गया, कुछ जो पुराने क्वार्टर थे वो दिए गए, जो क्वार्टर पुराने थे उनमें उनको बिठा दिया गया है, कुछ एक दो परिवार जो है वो अभी भी जीरो मोर में रह रहा है, उनका भी हम कर रहे हैं कि उनको माइग्रेंट एक्शन कमेटी जो है वो कहीं क्वार्टर दे के उनको भी। इसी पर मेरा एक सवाल है, जब ये फ्लड आया, कुदरती आपदा थी ये, लेकिन आप लगातार सचेत कर रहे थे प्रशासन को भी, मीडिया को भी, अन्य जिम्मेदार लोगों को भी, कि एक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा जो है उसमें कटाव हुआ है, मलबा जमा है, अगर मलबा नीचे आएगा तो काफी कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, क्या उस पर समय से उनकी तरफ से तो कोई ऐसा आश्वासन नहीं आया कि जिससे वो ठीक कर सकते थे, ये नुकसान नहीं हो सकता था। तब पुराने डीसी थे, पुराने डीसी को बताया था, पिछले साल की बात है कि ऐसे ऐसे ये फ्लड आया है, सरदार साहब थे डीसी, उनको बताया था, लेकिन उस पर संजीदा किसी ने जो है एक्शन नहीं लिया, उसकी वजह से जो मैं जहाँ रहता हूँ मेरे क्वार्टर में पिछले साल भी पानी आया और इस साल में भी पानी जो है वो भर गया था, लेकिन मैंने फिर ऐसे किया कि अपने लोगों से चंदा करवा के थोड़ा थोड़ा वो मलबा बीच से निकाला, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस वक्त अगर कोई एक्शन होता होने के बाद फिर ये एक्टिव होते हैं, उससे पहले नहीं। ये एक्शन तब लेते हैं जब हस्ता हो जाता है, उस भगवान का हम शुक्र लाख लाख शुक्र करते हैं कि अगर ऐसा फ्लड रात को आ जाता तो 50 से 60 आदमी वहां मर कैजुअल्टियां हो सकती थी। आपने क्वार्टर्स जो रिस्क था यहां पर वहां से खाली कर दिए थे, आप ये कह रहे हैं इसलिए जाने बच गए? हमें वो रिस्क के बावजूद वहां से क्वार्टर खाली कर लिए कि हो सकता है कि नाला जो है ओवरफ्लो है और ओवरफ्लो होने के बावजूद जब ऊपर से मलबा आएगा तो ये क्वार्टर जो है दब जाएंगे, तो इस वजह से हमें लोगों को वहां से शिफ्ट किया हुआ था, तो उस वजह से शिफ्ट करने के बावजूद ही उन लोगों की जाने जो है बचे हैं। ये फ्लड आया और मलबा आया, पानी आया, उसके बाद प्रशासन का क्या रवैया था, क्या सही से उन्होंने मैनेज किया, आपके साथ सहयोग किया, क्या किस तरह से, और अभी तक क्या सहयोग उनकी तरफ? उसकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से फिर तो संजोग आ गया ना, फिर तो एडिशनल साहब भी आए, तहसीलदार साहब आए, एसएसपी साहब भी आए, फिर मतलब महकमे की तरफ से तो एक्शन होने लगा, लेकिन पहले दिन भी अगर ऐसा एक्शन हो जाता कि जैसे इन्होंने सलाल बालू को बोला और वहां एक मशीन छोटी सी लगाई, अगर बड़े वाली मशीन होती तो क्वार्टर टूटने से बच सकते थे, लेकिन वहां भी थोड़ा सा
एक दिन का फर्क पड़ा, अगर वो क्वार्टर बच सकते थे 11 के, जब तक अगर वहाँ कोई अच्छी मशीनरी काम करती और वहाँ नुकसान होने से बच सकता था। चलिए आज क्या कुछ डिस्कशन हुई है, क्या इस मसले पर भी बातचीत हुई है? मलबा उठाया जा रहा है, अब अच्छे से उठाया जा रहा है, प्रशासन पूरा काम, प्रशासन आप काम कर रहा है और हमारी कमेटी भी पूरी देख रेख कर रही है कि जहाँ से मलबा जो है पूरे तरीके से जब आता है वहाँ से उठाया जाए, तो ताकि दूसरे क्वार्टरों को नुकसान ना हो। चलिए अब आपकी परमानेंट क्या हल देखते हैं आप, क्या नए क्वार्टर बनाए जाएं या रिपेयर? और ये जो मलबा आता है, फ्लड आता है, इसका कारण क्या सिर्फ वो पहाड़ में जो कटाव हुआ था वही कारण था या फिर और भी कुछ कारण है? नहीं, और कुछ कारण नहीं है। वो बाहर जब कटाव हुआ है तो कटाव ऊपर से नीचे नाले की तरफ आ गया, तो नाला जो है पूरा भरा हुआ है अभी भी जो मलबा है। कम से कम राशन तो, क्या आप समय पर नहीं मिल रहा है? राशन 5 महीने 6 महीना चाह रहा है, तो आज डीसी साहिबा ने बोला 5 महीने से राशन नहीं है, कोई राशन नहीं मिला, किसी को नहीं मिला या कुछ लोगों को नहीं मिला? कुछ लोगों को नहीं मिला, सारे जो माइग्रेंट हैं उनको नहीं मिला है। 132-140 फैमिली के करीब मिला है रियासी वालों को अप्रैल और मई का, और जो है उनका उनका कोई दूसरा ऐसा कोई नहीं दिया, जैसे तहसील मौर्य रियासी के भी आधे लोग जो बचे हैं और रजौरी के लोग जो हैं वो बिल्कुल बचे हैं। उनका टॉप नंबर जो है वो आता था रियासी के बाद, लेकिन अभी तक उनको राशन नहीं दिया गया। आज डीसी साहिबा ने बताया है कि 2 दिन के अंदर अंदर आपका राशन जो है पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर। कारण क्या था, क्या स्टोर पे राशन नहीं आ रहा था, क्या कारण बताया गया? आपने एक लेटर भी दिखाया, उसमें भी जिक्र किया गया। नहीं, इसमें स्थानीय प्रशासन का दोष उसमें मानते हैं आप? पीछे से ऐसा था कि कोई एडवाइजरी जो पार्लियामेंट की एडवाइजरी की तरफ से आ रहा था, कोई पीछे से फर्क, उसमें कश्मीर के माइग्रेंट जो हैं उनको भी नहीं मिल रहा था, उधमपुर वाले जो माइग्रेंट हैं उनको भी नहीं, और तलवाड़ा विस्थापित जो हैं उनको भी नहीं मिल रहा था। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये ऐसा हुआ कि हम इस तरीके से जो धरने और प्रदर्शन कर रहे थे उसमें कश्मीरी माइग्रेंट भी कर रहे थे, उधमपुर वाले भी, और इसमें जो है राशन के लिए आज डीसी साहब ने बोला कि आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर ये राशन जो है पूरे का पूरा ये दे दिया जाएगा, उम्मीद है मिल जाएगा। लेकिन इसमें उम्मीदें हमें बहुत कम मिल रही हैं, उम्मीद ये चल रही है कि ये 2 महीने का देंगे और पीछे जो 4 महीने का जो पेंडेंसी है वो कभी नहीं मिलेगी, हमें पूरा इसमें पूरा यकीन है। लेकिन डीसी साहब ने बोला है कि हम 2 दिन से शुरू कर देंगे, लेकिन उसमें देखेंगे कि ये 6 महीने का पूरा शुरू करते हैं या काम शुरू करते हैं, उसमें अभी से शुरू करते हैं। हमारे पास कार्ट है, कार्ट पे देखेंगे कि इसमें अप्रैल और मई का देते हैं, जून जुलाई का देते हैं या किस महीने से शुरू करते हैं, ये देखने की बात है आगे। जगदेव जी, एक सवाल आपसे, कुछ लोगों को जो है वो नई पीढ़ी जो है उन्हें अब माइग्रेंट नहीं माना जा रहा है और उन्हें जो फायदे मिलते हैं माइग्रेंट्स को, तलवाड़ा माइग्रेंट्स को, वो नहीं दिए जाते हैं प्रशासन द्वारा, लेकिन आप उसके लिए भी लड़ाई लड़ते हैं, आपको नहीं लगता कि अब उस पीढ़ी को फायदे नहीं मिलने चाहिए, उन्हें अपने पैरों पर स्टैंड होना चाहिए, खुद कमाई करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो वो प्रॉपर वक्त मिला नहीं, उसमें ऐसा है कि हम ये नहीं चाहते कि उनको हक नहीं मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए, उसके लिए तो हम लड़ रहे हैं, उसके लिए जितना भी हमारे से हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, उन्हें तो समय मिला। आपके वक्त में जब आप माइग्रेंट हुए तो तब स्थितियां ऐसी बनी कि आप कमाई का साधन नहीं रहा और नया काम आपको नहीं मिला होगा उस समय, लेकिन अब जो नई पीढ़ी है, क्या आप ये कह रहे हैं कि उन्हें भी फायदे मिलने चाहिए? सवाल मेरा ये है कि अब आप उनके लिए मांग क्यों करते हैं कि उन्हें भी सरकारी तमाम फायदे मिलने चाहिए? वो तो अच्छे से पढ़े भी होंगे काफी बच्चे, और आगे जो है वो अपनी कमाई खुद कर सकते हैं, अपने पैरों पर स्टैंड हो सकते हैं या स्टैंड हुए भी होंगे, तो उन्हें सरकारी फायदे आके क्यों मिलने? नहीं, वो उन लोगों के लिए लड़ाई नहीं जो स्टैंड हुए हैं, जहाँ जो स्टैंड करने का तरीका है कि जैसे आप पढ़े लिखे बच्चों की बात कर रहे हो, तो ये जम्मू प्रांत के जो माइग्रेंट है इनके बच्चों को तो नौकरियां दी नहीं गई है, इनको ऐसे कोई फायदे नहीं मिले हैं जो मिलने चाहिए थे, लेकिन उसमें भी जो रेशो है वो अलग से है। जैसे 2004 या 2006 में लड़का जो शादी कर चुका है, उस वक्त 2005 तक तो अफेक्टेड एरिया चल रहा था, मिलिटेंसी जोरों पर थी, और उस मिलिटेंसी के कारण जो यहाँ आके बच्चे जो तीन तीन जिनके बच्चे चार चार बच्चे हो गए, परिवार है उनका, और उनको माइग्रेंट तो स्टेटेड हम इसलिए मांग रहे हैं कि वो वहां से माइग्रेंट हुए हैं। अगर वहां प्रशासन ने उनका नाम निकाला है, बाहर निकाला, किन लोगों को बाहर निकाला? उन लोगों को बाहर निकाला
निकाला गया है, जो हमारे जो बच्चे हैं बच्चियां हैं और हमारा नाम निकाला जाता है, जो पड़ी जो परिवार हमारा एक के दो परिवार हो गए हैं, बाप जो है माइग्रेंट है और उसका लड़का जो है नॉन माइग्रेंट है। तो आप क्या चाहते हैं कि उन्हें भी फायदे मिले? उन्हें उन लोगों को जिनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज का फायदा नहीं है उनको फायदा मिलना चाहिए। ये परमानेंट हल तो नहीं है ना, काम तो करना पड़ेगा तमाम माइग्रेंट, परमानेंट हल तो ये नहीं है, ये तो टेम्परेरी हल है ना? ये टेम्परेरी हल है, लेकिन हल हम ये चाहते हैं कि हम जब उन बच्चों को नौकरियां दी जाए ताकि उनका परमानेंट हल तो ये है कि जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं उनको किसी ना किसी मेक में नौकरी दी जाए ताकि वो अपना बाल बच्चा चला सके। लेकिन जो बच्चे यहाँ आके पढ़े लिखे हैं वो उम्र के लिहाज से भी अंडर एज हो चुके हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फायदा नहीं मिल रहा है, नंबर एक। और दूसरा नंबर, जो बच्चा ऊपर जिस वक्त पढ़ने का उसका वक्त था तब वो मिलिटेंसी में जो है वो पढ़ाई खत्म हो गई, उसका परिवार आज तीन तीन चार चार बच्चे हैं तो वो किस तरीके से अपना परिवार चलाएगा? यहाँ हमारे पास जमीन नहीं है, यहाँ हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है, तो वो बच्चा कैसे अपना परिवार कैसे जिंदा रख पाएगा? जी जी, चलिए, राशन पिछले कुछ महीनों से नहीं मिला है, क्या उम्मीद है? आप भी मीटिंग में क्या बैठे हुए थे, डीसी रियासी यहाँ बैठे थे, आप क्या उम्मीद है मिलेगा राशन? क्या बताया सर, क्या बोला है तो अधिकारियों ने? क्या बोला है? कुछ कोई उम्मीद नहीं है सर। आपने वहाँ पे बात रखी कि इतनी देर से राशन, हमारे सारे बोले थे यही बोले थे आप, उम्मीद आपको कम है कि अभी भी मिलेगा? कम है सर, उम्मीद कम है। बार बार ऐसा क्यों होता है कि सेम मुद्दे लेकर आप मीडिया के पास भी आते हैं, कभी राशन नहीं मिल रहा, क्वार्टर्स रिपेयर नहीं हो रहे, खतरा है वहाँ पर, कभी तेल नहीं आपको मिल रहा, केरोसिन ऑयल नहीं मिल रहा, ये तमाम मुद्दे बार बार आप उठाते रहते हैं, क्यों रुकावटें आती हैं इसमें? ये मीडिया के माध्यम से ही हमारा काम होता है। नहीं, आपके ये लगातार आपको क्यों नहीं मिलता, रुकावटें क्यों आती हैं? रुकावटें इसलिए आती है कि हमारा जो प्रामस जम्मू का जो माइग्रेंट है ना, इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। कश्मीर में लगातार मिलता है, वहाँ ऐसे कश्मीरी माइग्रेंट को मिलता है, कश्मीरी माइग्रेंट के बच्चों को नौकरियां दी गई, तलवाड़ा विस्थापित जो ऑर्डर एक समान है, ऑर्डर एक समान है, एक तरीके का ऑर्डर है, एट पार कश्मीरी माइग्रेंट। आपने कोर्ट में लड़ाई लड़ी उसके बाद आपको हमारा इतना फर्क है कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, हमें कोर्ट की तरफ से जो आदमी हमारे लिस्ट में है वो कोर्ट के ऑर्डर के जरिए बने हैं, लेकिन कोई ऑर्डर भी ऐसे हैं कोर्ट के जो अभी तक नहीं माने गए हैं, जैसे मवेशियों के चारे की बात है 300 रुपया, जैसे हमारे 2229 परिवार जो है रजिस्टर करने के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इनको भी। कौन से परिवार हैं ये? वही परिवार हैं, दूसरी पीढ़ी या फिर ये दूसरी पीढ़ी नहीं है, जिस वक्त 1998 से लेकर 2005 तक जो मिलिटेंसी का कारण था वहाँ वो इतना हाई आसमान पे था, कुछ लोग तो हमारे जिस एरिया से हम आए, कोई लोग जम्मू में बैठे हैं, कोई लोग बेली चराना में है, कोई लोग उधमपुर में है, उन लोगों को एड नहीं किया गया, सिर्फ तलवाड़ा में जो जिनको बसाया गया था उन्हें ही। जे तलवाड़ा में जो बसे हैं पौनी में अरजोरी के जो माइग्रेंट हैं वो कुछ तो वहां से भाग के तलवाड़ा में आए और तलवाड़ा में यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिली, कोई अपने रिश्तेदारों के पास चले गए, कोई कहीं। आज तो कई लोग ऐसे हैं बेचारे के जिनकी शान फीन करने की जरूरत है कि उनको शान फीन करके उनको देखा जाए कि उनकी प्रॉपर्टियां कहाँ हैं, वो लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं। मेरे पास लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट रजौरी के जो माइग्रेंट हैं 132 और अब क्या माइग्रेंट वापिस नहीं जाना चाहते? माइग्रेंट अब माहौल तो ठीक, माहौल ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं है ठीक, लेकिन माहौल कश्मीर का जब तक नहीं ठीक होगा तब तक हम लोग वहाँ जा नहीं पाएंगे, क्योंकि मिलिटेंसी जब तो कश्मीर नहीं जाना है आपने, रजौरी जाना है आपने, ठाकरा कोट तहसील में, हमने ठाकरा कोट तहसील में जाना है, हमें ख्वास तहसील में जाना है, लेकिन मिलिटेंसी का पड़ाव जो शुरू हुआ था वो श्रीनगर से हुआ। हम सुनते थे जब कश्मीरी माइग्रेंटों के ऊपर अत्याचार हुआ, हम सुनते थे छोटे छोटे थे कि मिलिटेंट आते हैं जी, परिवारों को मार के चले जाते हैं, मिलिटेंट ये करते हैं। मिलिटेंसी एक ऐसी बीमारी है कि ये खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये पिछले दिनों में ही देखो 2-3-4 एक्सीडेंट हुए जिसमें खत्म जरूर खत्म होगी, बहुत कम ये खत्म मिलिटेंसी खत्म हम ये समझते नहीं है। पहले मोहर जैसे इलाकों में काफी ज्यादा मिलिटेंसी हुआ करती थी, उसके बाद किस तरह से आपने देखा ग्राफ डाउन गया, हालांकि अभी पिछले कुछ समय में 3 मिलिटेंट पकड़े गए, 2 एक बार और अभी रिसेंटली एक पकड़ा गया, लेकिन कम तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो कम, हम ये मान रहे हैं कि कम है, लेकिन दुश्मन का ये हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि या फिर अब थोड़ा मुश्किल है वापस जाना, आपको लगता है अब इतने सालों से यहाँ पर रहे हैं फिर जाकर वहाँ पे बसना थोड़ा मुश्किल हम है। बसना मुश्किल
मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मिलिटेंसी जो है श्रीनगर के अंदर काम होगी। जब श्रीनगर के माइग्रेंट वहाँ अपना जिंदगी अच्छे से जी पाएंगे तो हम ये खुशी से नहीं आए। हमारा एरिया भी भाड़ू से आए हैं हम लोग, जिधर पहुँचने में देर लगती थी, और आज ऐसा है कि वहाँ जो माहौल है कोई पता नहीं चलता है कि हमें जो मैंने तो आंखों से देखा है प्राणकोट का मंजर के छोटे छोटे बच्चे जो है मूली गाजरों की तरह काटे गए थे, और मैंने हाथों से संस्कार कराया उन लोगों का। हमारी प्रॉपर्टी 1947 में भी खत्म हो गई, रजौरी नहीं, ये हमारा एरिया जो है ये रियासी रजौरी ये मिलता एरिया है, ये बॉर्डर है हमारा, जो बॉर्डर का एरिया है उस बॉर्डर में मिलिटेंसी। आप यहाँ पे रहते थे वो डिस्ट्रिक्ट रजौरी था, लेकिन उसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट रियासी है, प्राणकोट ढक्कीकोट कोट चलवाल ये साथ साथ में है। तो उस एरिया से हमारा एरिया से आते थे मिलिटेंसी, यहाँ निशेरा यहाँ पुंछ बॉर्डर से होती थी, यहाँ सुंदरबनी से जो मिलिटेंसी दाखिल होती थी, वो एरिया जो था उस वक्त इतने मिलिटेंट चलते थे कि उसमें उस समय तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए एक काम कर दिया जाए कि हम जो प्रॉपर्टी हम पीछे छोड़ के जो खराब करके आए 1947 में छोड़ा, 1965 में भी छोड़ा, और फिर जो प्रॉपर्टी बनाई वो 1998 में हमें फिर दोबारा से वो प्रॉपर्टी जो है गर्क कर दी, और आज जो प्रॉपर्टी यहाँ बनी है जहाँ बनाई है तो उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ से लेके वहाँ खत्म नहीं कराना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें कोई एक ऐसे जैसे एड पार कश्मीरी माइग्रेंट को कोई क्वार्टर बना कर जाएंगे अपने एरिया में, ये नहीं कि नहीं वापस जाएंगे, लेकिन हम तब जा पाएंगे कि हमारा सामान यहाँ सुरक्षित रहे, यहाँ हमारा बच्चे जो हैं सुरक्षित रहें, हम जाएंगे देखेंगे माहौल चाल ठीक होगा तो फिर हम वापस जाएंगे। ऐसे प्रॉपर्टियां खत्म हो चुकी हैं, कुछ जमीनों के ऊपर नाजायज कब्जे भी हो चुके हैं, तो वो लोगों की जो लड़ाई है वो हमारी हम देख रहे हैं। हम कोर्ट की तरफ भी जाएंगे और कोर्ट में देखेंगे कि कोर्ट में हमारा पहले भी केस चल रहा है और दोबारा से जाना पड़ेगा तो जाएंगे। जी जी चलिए, तो तलवाड़ा माइग्रेंट्स की समस्याएं जो हैं वो कम होती नहीं दिखती हैं, लगातार राशन को लेकर केरोसिन आयल भी आपको मिलता है अभी भी? केरोसिन आयल पर आज डीसी साहिबा से बात हुई, उन्होंने बोला कि वो पूरा बंद हो चुका है। अगर तेल का जो हमें 400 या 600 रुपया फायदा मिलता था वो सिलेंडर की जो सब्सिडी है उसमें कम करके हमें सिलेंडर अगर गैस प्रोवाइड कर दिया जाए तो उसमें वो ठीक रहेगा, लेकिन तेल का जो है तेल के लिए उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि तेल नहीं मिलेगा गया। लेकिन पिछले करीब पांच महीनों से राशन नहीं दिया गया, जो इनको मिलना चाहिए, जो सरकारी मदद इनको लगातार मिलती है वो नहीं मिली है, उसी के चलते ये परेशान है। और आज डीसी रियासी व अन्य अधिकारियों के साथ इनकी बैठक भी हुई है और वहां पर इन्हें आश्वासन दिया गया है कि कुछ दिनों में इन्हें राशन मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।